दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि BTS के मेंबर्स की स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्किन मेंटेन करने के लिए BTS के मेंबर्स क्या करते हैं, या फिर वो कुछ करते भी हैं या फिर नहीं? दोस्तों, उनका स्किन रूटीन क्या है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी गोल्डन मार्क ने और हमारे प्यारे मोची के स्किन रूटीन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी edu.facts को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, जिस भी आर्मी ने अभी तक मुझसे बात करी है, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मुझसे बात करके कैसा लगा था, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि BTS के डेब्यू के दिनों में BTS काफ़ी सारी क्लोज अप वीडियोस बनाते थे, और दोस्तों उस वक्त तो BTS के मेंबर्स मेकअप भी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेकअप लगाता है तो उसकी स्किन खराब हो जाती है, पर दोस्तों हमारे BTS के मेंबर्स की स्किन तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जबकि अपनी रोज़ की लाइफ में, अपनी इतनी शूटिंग में और वीडियोस में उन्हें काफ़ी मेकअप को यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जंगकुक का अपनी स्किन को लेकर क्या कहना है। दोस्तों, जंगकुक का कहना है कि किसी भी स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको टोनर और मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको अपना रूटीन बना ही लेना चाहिए। दोस्तों, जंगकुक के हिसाब से इसको रात में लगाना चाहिए अपने मुँह को धोने के बाद, लेकिन सोने से पहले। दोस्तों, इसके साथ साथ जंगकुक ने ये भी बताया था कि वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने साथ क्लीनिंग फोम को ज़रूर लेके जाते हैं, ताकि वो जहाँ भी रहें किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले वो अपने फेस को हमेशा अच्छे से क्लीन कर पाएँ। दोस्तों, इसके साथ साथ जंगकुक का ये भी कहना था कि अगर किसी को अपने फेस का ध्यान रखना है तो सबसे ज़्यादा उसे अपनी नाक का और आईब्रोज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें फेस की बहुत ही केयरफुल पार्ट्स माने जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से जंगकुक अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं और यही उनका स्किन रूटीन है। दोस्तों, बात करें हमारे क्यूट मोची की, तो उनकी एडवाइस काफ़ी सिंपल है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो जिमिन की ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जिमिन का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी स्किन को साफ रखना, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग मेकअप यूज़ करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पर यूज़ करते हैं, तो कभी भी सोने जाएं तो उस मेकअप के साथ ना सोएं। दोस्तों, जिमिन का कहना है कि सोने से पहले हमेशा अपने मुंह को धोना चाहिए और उस पूरे मेकअप को हटा देना चाहिए। दोस्तों, इससे स्किन आपकी फ्री हो जाती है और वो आराम से सांस ले सकती है, और जिस समय आप सो रहे होते हैं जो भी मेकअप आपने यूज़ किया होता है उसके बाद आपकी स्किन जब डल हो जाती है तो वो जब क्लीन हो जाती है तो वो ब्रीथ करती है और फिर से ग्लो करने लग जाती है। और दोस्तों, इसी तरह जिमिन कहते हैं कि सोने से पहले अपने मुंह को ज़रूर धोएं। दोस्तों, इसके साथ साथ जिमिन की दूसरी टिप ये है कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, आपको बहुत ही सारा पानी पीना चाहिए जिससे आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहे और कभी भी ड्राई ना पड़े। तो आर्मी, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो जिमिन और जंगकुक की ये एडवाइस ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आप बाकी मेंबर्स के स्किन रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं जल्दी ही उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लॉन्च कर दूंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।